आज हम लोग होमवर्क डिस्कस नहीं करने वाले, आज स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस देने वाला हूँ। विल डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल टुडे। ओके, डू यू हैव स्पेसिफिकली एनी कॉन्सेप्चुअल डाउट्स? किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है क्या? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग नहीं है। गुड टू सी फ्यू मोर फेसेस। आनंदिता हिया, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन। चलेगा, लेट अस स्टार्ट। उसके पहले लास्ट क्लास में साइन 18 डिग्रीज कॉस 18 डिग्रीज करवाया था वैल्यू, वो याद है क्या? लिखा हुआ है क्या नोट्स में साइन 18 डिग्रीज का वैल्यू यस सर, कितना है? साइन 18 डिग्रीज, रूट 5 माइनस 1 बाय 4, यस। और कॉस 36 डिग्रीज कितना है? रूट 5 प्लस 1 बाय 4। दैट्स राइट, चलेगा। एक क्वेश्चन करना, राइट ऑन। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 12 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ कॉस 24 डिग्रीज कॉस 36 डिग्रीज कॉस 48 डिग्रीज कॉस 60 डिग्रीज कॉस 72 डिग्रीज इंटू कॉस 84 डिग्रीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। और कोई वीडियो स्विच ऑन नहीं कर रहा क्या? निशांत, सोहम, विनीत, सो मेनी पीपल, श्रेया, थैंक यू दीपांशु, जिनेन्द्रा, फाइनली शक्ल देखने को मिल गया। सर, अभी ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी? यार अभी रिसेंटली तो मैंने जहां तक न्यूज पढ़ा है उसमें तो यही है कि 15 तारीख से जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस जोन जोन में नहीं है उस जोन में बुलाने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज राइट न्यूज और फेक न्यूज। नो प्रॉब्लम विनीत, दैट्स ओके। टेक केयर ऑफ हेल्थ फर्स्ट। अदर देन दैट, आज का क्लास सिर्फ क्वेश्चंस ही करने वाले, कोई कॉन्सेप्ट नहीं करने वाले, तो यू कैन सॉर्ट ऑफ रिलैक्स एंड सी दी क्वेश्चंस। ओनली टफ क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द न्यू थिंग। ऑफलाइन लेक्चर्स के बारे में तुम लोगों को आइडिया है क्या? सेंटर मैनेजर वगैरह से किसी से पता चला क्या? ठीक है, आज थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे, तुम लोग देख के ऐसे डरो मत, दैट्स ऑल। ओके, फर्स्ट थिंग, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, कॉस 12, कॉस 24, कॉस 36, कॉस 48, कॉस 60, कॉस 72, कॉस 84। सबसे पहले कौन से एंगल्स को मर्ज करने का प्लान है? सर 12, 48 और 72। व्हाई, व्हाट इज स्पेशल अबाउट 12, 48 सर एंड वो 60 72? वाला यस, दैट इज अ वन गुड, बाय फोर कॉस थीटा। यस। cos 12 into cos 60 minus 12 into cos 60 plus 12, ऐसा एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में किया था। cos थीटा cos 60 minus थीटा cos 60 plus थीटा is 1/4 cos 3 थीटा, 1/4 cos 3 times 12 degree, so that will happen to these three values, 12 and 48 को 60 minus 12 और 72 को 60 plus 12। अच्छा, you can isolate three more values also। मुस्कान, वेरी क्लोज, आई थिंक यू हैव मिस्ड वन ऑफ द वैल्यूज, चेक करना। और कौन से तीनों को मर्ज कर रहे हो?
आइडियली 12, 36 और 84 को भी मर्ज करना चाहिए, वो भी बन जाएगा cos 24, cos 60 माइनस 24 इंटू cos 60 प्लस 24, सो दैट विल बिकम 1/4 cos 3 टाइम्स 24 डिग्रीज. इन दिस वन मोर वैल्यू लेफ्ट cos 60 डिग्रीज. Yes, that is like Mishkan. Cos 60 degree से एक बच गया, वो तो कुछ खास बात नहीं है. Cos 60 degree का वैल्यू तो हाफ है. So the answer is basically 1/4 times cos 3 times 12 is cos 36 degrees. Cos 36 degrees का वैल्यू you should know. Cos 36 degrees का वैल्यू देख के root 5 plus 1/4 है. नेक्स्ट वन 1/4 टाइम्स कॉस 72. कॉस 72 इज सेम एज साइन 18 डिग्रीज, उसका भी वैल्यू है रूट 5 माइनस 1/4. एंड लास्टली हाफ, हाफ इज कॉस 60 और कॉस 60 इज हाफ. इसको सिंप्लीफाई करना है, केयरफुली करो. परवीज राइट. कितने लोगों का आंसर आ गया? इश्वाक इज करेक्ट, श्रेयस इज करेक्ट, युग इज युग. नहीं नहीं आंसर गलत हो गया. युग देखना कितने बार, 1/4 1/4 कितनी बार है, ध्यान से देख. ओम करेक्ट, जीवतेश नो, सोहम बिल्कुल ही नहीं. सोहम क्या कर रहा है, न्यूमरेटर क्या आ रहा है, रूट फाइव प्लस वन इंटू रूट फाइव माइनस वन कितना होगा? No, Vidhi. Yug, you are right. Yug is correct. Vidhi, क्या हुआ यार, इतना easy है. Root 5 plus 1 into root 5 minus 1 कितना हो रहा है? Check करो. Root 5 plus 1, root 5 minus 1 will become 5 minus 1, 4. डिवाइडेड बाई 4, 4, 4, 4 चार बार और एक एक टू आया. यस, तो 4 भी है, कैंसिल हो जाएगा. दैट्स राइट दर्श, तने, यशोवर्धन, या सिंप्लीफाई मोर. गर्व इज राइट, आयुष इज राइट, दीपांशु इज राइट. किया चेक करो. आई होप विधि ऑल्सो गॉट इट राइट. हां सर, आई गॉट इट. हां सर, आई टुक द रॉन्ग क्वेश्चन. ओके चलेगा. लेट अस सॉल्व इन अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडेंटिटी, वेरी वेरी रेयरली यूज्ड आइडेंटिटी. सिंस टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड वी हैव नथिंग न्यू टू स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री, वी आर डूइंग समथिंग विच विल बी यूज्ड इन लेटर चैप्टर्स, बट स्टिल. नेक्स्ट वन, Prove that cos A into cos 2A into cos 2 square A, so on until cos 2 raised to n minus 1 A is equals to sine 2 raised to n A divided by 2 raised to n sin
ओके नाइस, दैट इज राइट विनीत. देखो पर्वत क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट आर यू, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड इन दिस फॉर्मेट? सर थीटा इज गेटिंग डबल, एंगल डबल हो रहा है. एंगल डबल हो रहा है तो एक मेथड बोला था करने के लिए, दैट्स राइट. जिसने भी मैसेज किया, यू गाइस कंटिन्यू. एंगल डबल हो रहा है तो क्या करने के लिए बोला था? इनटू साइन थीटा, टू साइन थीटा अपॉन, यस. तो टू साइन थीटा ए है, टू साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो साइन टू ए बन जाएगा डिनोमिनेटर में, टू साइन है. न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? सर डिनोमिनेटर में टू साइन ए रहेगा. हाँ डिनोमिनेटर में टू साइन ए रहेगा. तो न्यू और न्यूमरेटर में साइन टू ए बन गया पहले, फिर साइन टू ए बन गया तो फिर क्या करेंगे? सर फिर इनटू टू बाय टू. हाँ एग्जैक्टली, इनटू टू बाय टू करेगा तो फिर से टू साइन टू ए कॉस टू ए मिल जाएंगे. तो टू साइन टू ए कॉस टू ए मिलके क्या बन जाएगा? साइन फोर ए, टू साइन फोर ए. वो साइन फोर ए कॉस फोर ए के साथ मर्ज हो जाएगा. तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू कितनी बार करना पड़ेगा? एन माइनस वन. क्यों एन माइनस वन टाइम्स? कितनी बार कॉस है? नंबर ऑफ कॉस कितने हैं? एन टाइम्स करना पड़ेगा. अच्छा हाँ यस सर. ये टू रेस टू जीरो, टू रेस टू वन, टू रेस टू टू, ऐसे टू रेस टू एन माइनस वन. जीरो से एन माइनस वन एन टाइम्स है. तो एन टाइम्स करेंगे तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या फाइनल आंसर क्या होगा? हर बार डबल हो रहा है एंगल. ए का टू ए बन गया, टू ए का फोर ए बन जाएगा, फाइनली टू रेस टू एन माइनस वन का उसका डबल हो जाएगा, टू रेस टू एन ए हो जाएगा. सर क्या आप फिर से समझा सकते हैं? हमने बहुत पहले किया था एक सम, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, याद है क्या किसी को? हाँ सर. क्या कर क्या किया था इस सम में? वही सर, सेम sin से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 sin, 2 sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था. देखो 2 sin 20 cos 20 मिलके cos sin 40 बन गया था. वो sin 40 और cos 40 मिलके sin 80 बन जाता. समझ में आ रहा है? हां सर समझा समझा. sin 80 cos 80 मिलके sin 160 बन जाता. तो फाइनली ये जो एंगल है 80 का, फाइनल एंगल उसका डबल आ जाता 160. सिमिलरली यहां पे n टाइम्स है तो 2 रेस टू n माइनस 1 का 2 रेस टू पावर n बन जाएगा. बहुत हाईफे हो गया क्या ये क्वेश्चन? सर ऐसे तो बोल तो सकते बट ऐसे लिखेंगे कैसे, ऐसे प्रूफ लिखेंगे कैसे फॉर्मली? n टाइम्स करके तो जैसे जैसे बात कर रहे वैसे ही लिखेंगे कैसे, मतलब स्टेप मार्किंग वगैरह तो नहीं है बट वो आइडेंटिटी ऐसे ही प्रूव होगा. अच्छा ठीक है सर. बट मेथड समझा क्या? 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और वो सीरीज की तरह चला जाएगा. Does anyone else want me to elaborate this? आज का क्लास में ऐसे टफ क्वेश्चंस कराने के मूड में था, तुम लोग डाइजेस्ट कर पाओगे कि नहीं क्या? हाँ सर कर लें. ठीक है थोड़ा और करेंगे बट स्टिल ये अगर नहीं समझ में आया तो भी जस्ट ये याद रखो कि 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और बार बार करना है टू से. इसको आइडेंटिटी की तरह याद रख लोगे तो भी चलेगा. cos a, cos 2a, cos 4a ऐसे करके cos 2 raised to n minus 1 is this. Okay, write down this question. Find the value. कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले doubt discussion में करवाया था but still find the value of cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 16 pi by 15. Find the value of this. Cos 2 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos
पाई बाय 15 इंटू कॉस 16 पाई बाय 15। इसका वैल्यू ढूंढना है। दर्श दोनों सेम ही है। आई होप यू आर क्लियर। दोनों सेम क्यों है? हाँ सर। पिछले समय मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया, बहुत लोगों को डाउट आया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, तो मैंने ये ऐसा लिखा। अच्छा ओके। कुशल तूने देख लिया क्या फिर सारे लेक्चर्स? अप टू डेट हो गया क्या होमवर्क वगैरह से? ओके ओके। तेरा भी माइक नहीं काम करता क्या? माइक और कैमरा? दैट्स राइट जिनेन्द्र। अच्छा ओके क्वेश्चन। और दीपांशु बाल काटा लिए क्या तूने? नो सर। जैसे लग रहा है कि कट किया तूने। ठीक है ओके ओके ठीक है। दैट्स राइट मानव। ओके आर यू गाइस यूजिंग द फॉर्मूला और आर यू डूइंग इट इन अ लॉन्ग वे? क्या कर रहे हो? तो फॉर्मूला यूज किया। तो फॉर्मूला यूज कर। ओके फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो एन कितना है इस बार? फोर फोर। कि जितने कॉस है उतने एन है। यहाँ पे कितने कॉस है? चार सर। चार करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा साइन 2 raised to 4 टाइम्स टाइम्स क्या होगा? कौन सा एंगल? दैट्स राइट पर टाइम्स फर्स्ट एंगल 2 pi by 15 डिवाइडेड बाय 2 raised to 4 टाइम्स साइन ऑफ फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल इज 2 pi by 15। ऐसा होना चाहिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। साइन न्यूमरेटर किसी ने सिंप्लीफाई किया क्या? न्यूमरेटर कितना आएगा सिंप्लीफाई करके? 32 आना चाहिए। 32 पाई बाय 15 आना चाहिए। और डिनोमिनेटर में 2 raised to 4 16 टाइम साइन 2 pi by 15। ओके नाउ 32 पाई बाय 15 और 2 pi by 15 कैन यू फिगर आउट एनी रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम? सर 2 पाई माइनस पाई बाय 15 वही होगा। 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 15। हाँ बोलना करेक्ट। 2 pi plus 2 pi। वो ये कह रहा है कि 32 को 30 plus 2 करके सेपरेट कर रहा है। बेसिकली वो बन जाएगा साइन 30 pi by 15 मतलब 2 pi plus 2 pi by 15 ऐसे। साइन 2 pi plus 2 pi by 15 डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स साइन 2 pi by 15 का कोई मतलब नहीं है ना? 2 raised to 4 का कोई मतलब नहीं है मतलब? सर लास्ट में 2 pi by 15 ही रहने वाला है तो।
हाँ यस, ये 2 पाई का कोई मतलब नहीं है क्योंकि साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा सर, बट ये माइनस में जाएगा ना, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ ओके ओके यस, आई थॉट इट 180, ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो साइन 2 पाई बाय 15 बाय 16 टाइम साइन 2 पाई बाय 15, साइन 2 पाई बाय 15 कैंसिल हो जाएगा। I don't know, बाकी लोगों को समझ आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? ठीक है, नो रिप्लाई तो आई जस्ट मेक इट इजियर नाउ सर, गॉट इट। ओके ठीक है, ऐसे लग रहा है सिर्फ 5-6 लोग ही फॉलो कर रहे हैं, बट द आंसर इज 1/16। So I'm going to tell you a new formula now. The answer was 1/16. तुम लोगों के चेहरे रहते तो I could have at least gauge how are you following. But ठीक है, ऐसे लग रहा है नेक्स्ट टाइम डिस्कॉर्ड पे क्लास लेना चाहिए, मे बी दैट टाइम मे बी यू वुड बी मोर एक्टिव। ठीक है ओके, नाउ देयर आर टू फॉर्मूले व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस मतलब और व्हिच आई एम गोइंग टू राइट डाउन, तो तुम लोग वो दोनों फॉर्मूले लिख लेना, उसका प्रूफ जो है समझाता हूँ। वेयर डिड 30 पाई गो, अरे वो 30 पाई बाई 15 था, बाई 15 था कुशल, ऐसे 32 को ऐसे लिखा 30 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 था, 30 पाई बाई 15 2 पाई बना, समझ गया ना, फिर साइन था तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा ओनली, ऐसे करके किया था, समझ गया क्या पूरा डिटेल में? ओके राइट ऑन, नेक्स्ट फॉर्मूला हेडिंग लिखना है तो यू कैन राइट सम ऑफ साइंस, SINES, सम ऑफ साइंस इन एन एपी, सम ऑफ साइंस, साइंस मतलब SINES, साइन थीटा कॉस थीटा वाला, कॉमा एंगल्स इन एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हैव यू गाइस स्टडीड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हैव यू हर्ड अबाउट ये पढ़ा होगा शायद स्कूल में, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जस्ट आस्किंग डिड यू रीड और नॉट सर, n बाय 2 l a प्लस, हां ऐसा कुछ तो था, n बाय 2 a प्लस l, n बाय 2 2 l प्लस d, हां सही, n बाय 2 टाइम्स 2 a प्लस n माइनस 1 इनटू d, यस सर, फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस टू डी, मतलब साइन ऑफ द एंगल्स, एंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्लस सो ऑन अंटिल, can you tell me what will be the nth term? वो याद है क्या at least? a plus n d. a plus n d नहीं, a plus n minus 1 d होता है. okay. इनका addition science का addition होगा, तो obviously बात है sine common नहीं निकाल सकते, but इसका एक formula है, मैं वो formula लिख रहा हूँ, तुम लोग फिलहाल के लिए formula copy कर लो, sine n d by 2 times sine 2 a plus n minus 1 into d by 2. divided by sin d by 2. This is the formula. It looks very very similar to what sum of AP ka formula hai.
लिख लिया क्या? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ कोसाइंस, सम ऑफ कोसाइंस व्हेन द एंगल्स आर इन एपी। तो सेम ही चीज है, साइन की जगह कॉस है, कॉस ए प्लस डी, कॉस ए प्लस टू डी, कॉस ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका आंसर में ऐसे आएगा, साइन एन डी बाई टू बाय साइन डी बाई टू सेम ही रहेगा, फिर कॉस ऑफ ये चीज आएगा, कॉस ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन दिस कॉस। इनको प्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री का तरीका सबसे लॉन्गेस्ट है। आगे जाके दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो इजी हो जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं, डिड आई टीच यू कंपोनेंट और डिविडेंड एनी टाइम? यस सर, लास्ट टाइम। ओके ओके, ठीक है, ये भी लिख लिया तो बताओ। तुम लोगों का इसके बाद लेक्चर होता है कि इसके पहले होता है? मॉर्निंग में होता है सर। अच्छा, मॉर्निंग होता है क्या? हाँ, बाय द एंड ऑफ द वीक और लास्ट लेक्चर ऑफ द वीक होता है ना मेरा लेक्चर। तुम लोग बाय द टाइम ऐसे लगता है तुम लोग, यू गाइस आर ऑल एग्जॉस्टेड एंड यू जस्ट कम हियर, मे बी चलेगा। एक क्वेश्चन करते हैं, डिड यू गाइस राइट इट डाउन एवरीबॉडी इन द क्लास? यस। ओके, राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री सो ऑन अंटिल कॉस 140 डिग्रीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। वो आगे आएगा यशवर्धन, नो जिनेन्द्र, देखो फॉर्मूला यूज करो केयरफुली, दैट्स राइट पर्व, थैंक यू फॉर आंसरिंग करेक्टली।
That's right, Tavish. Very nice. We'll do it today, Parv. Siddhant, correct. Okay, finally three students have answered. Ruchi, tumhare class mein nahi hai kya? अच्छा रुचि है यहाँ एक आंसर भी नहीं आया यार यू सीम वेरी स्मार्ट इन डाउट सेशन दीपांशु एंड कुशल बोथ ऑफ यू आर करेक्ट यू कैन सिंप्लीफाई इट मोर वेरी नाइस कुशल दर्श क्यों नहीं आया अभी तक आंसर नहीं नहीं दर्श कैन यू टेल मी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे डी कितना है कॉमन डिफरेंस 20 और n फिगर आउट कर पाए क्या 7 इज राइट दिस इज 20 into 1 20 into 2 20 into 3 ऐसे 20 into 7 टोटल 7 टर्म्स है 7 है n चेक करना दर्श ओके तो अभी फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा साइन 7 टाइम्स 20 डिग्रीज बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ कॉस 2 टाइम्स 20 डिग्रीज प्लस 6 टाइम्स 20 डिग्रीज बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्रीज बाय 2 किसने और आगे लिखा क्या ऐसा किया तो अटक गया क्या आया इसके बाद साइन कितना आ रहा है 70 इज राइट इनटू कॉस कितना आ रहा है cos 80 डिवाइडेड बाय साइन 10 ये तीन चार लोगों ने भेजा इसके बाद नहीं देख सकते क्या आगे सर कट जाएगा बट साइन 70 का क्या करना है साइन 70 बचेगा सर वही आंसर है तो आपने वैल्यू बोला था ना बट साइन 70 डिग्री इटसेल्फ इज अ वैल्यू दैट्स ऑल मतलब अच्छा उसका वैल्यू यू मीन टू से लाइक अ फ्रैक्शन नहीं नहीं साइन 70 डिग्री इज ओनली द आंसर लाइक मैं साइन 70 लाके रुक गया ओके ओके सेम सर अच्छा इधर है cos 80 और साइन 10 सेम है डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस मच और इज इट अंडरस्टूड 80 is 90 minus 10, cos 90 minus 10 is sin 10, cos 80 or sin 10 cancel. Sin 70 is the answer, or that can also be written as cos 20 degrees also. It is the same thing. Yashwardhan, multiplication ka plus likh diya bas tune. Okay, chalega, we'll move on to the next question. Was it easy question or was it tough? Easy. Okay. So, isko to tough kar sakte hai na? टफ क्वेश्चन करना है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करना है टफ करा दो सर एक कर एक दे दो सर टफ डू यू गाइस नो अरिथमेटिक मीन यस सर अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है एवरेज लाइक ए बी सी डी चार नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा a+b+c+d/4 ओके राइट ऑन दिस क्वेश्चन फाइंड the arithmetic mean find the arithmetic mean of 2 sin 2 degrees 4 sin 4 degrees 6 sin 6 degrees so on up to 90 terms so on up to 90 terms, 90. Find the arithmetic mean of these.
नहीं है श्योर देन नो नो जिनेन्द्र शौर्य आर्य आनंदिता देव आई होप यू आर फॉलोइंग ऋषि मोक्ष यस सर यस मोक्ष आर यू देर या फिर आज भी चल कहीं चला गया या हेडेक हो रहा है वो तो ठीक है पर नहीं यशोवर्धन ओके आई विल गिव यू अ हिंट फर्स्ट तुम लोग बता सकते हो क्या फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अरिथमेटिक मीन तो अरिथमेटिक मीन दो दो एंगल्स को कंबाइन करेंगे हाँ सही है उसके पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ अरिथमेटिक मीन मतलब सारे नंबर्स के एडिशन डिवाइडेड बाय 90 क्योंकि 90 टर्म्स है फर्स्ट नंबर है 2 sin 2 फिर सेकेंड नंबर है 4 sin 4 फिर 6 sin 6 ऐसे करके वॉट विल बी द लास्ट नंबर 180 sin 180 degree. That is nicely said. 180 sin 180. I hope everybody is following this trend. 2 का multiple से. Okay. नहीं ओम. अभी 180 sin 180 के पहले कौन सा angle आता? कौन सा term आता? 178 sin 178. 178 sin 178. उसके पहले 176 sin 176 होता. Okay. होल डिवाइडेड बाय कितना करना है 90 सो दिस इज द अरिथमेटिक मीन ओके नाउ इसको सिंपलीफाई करना है इसमें किसी का वैल्यू पता है क्या लास्ट वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री साइन 180 डिग्री डू यू गाइस रिमेंबर -1 नो नॉट माइनस 1 0 साइन 180 डिग्री को कैसे ढूंढेंगे 0 इज राइट साइन 180 डिग्री से साइन 180 प्लस 0 साइन 0 ओनली or minus sign 0 doesn't matter this will become 0 okay this will just become 0 okay now what do you think I will be doing with sin 178 sin 2 degrees yes 178 ko main likhunga 180 degree minus 2 degree fir sin 180 minus theta will become sin theta only theek hai so this will become 2 times sin 2 degree प्लस 4 टाइम्स साइन 4 डिग्री प्लस अच्छा रास्ते में कहीं ना कहीं 88 साइन 88 भी आएगा फिर 90 साइन 90 डिग्री भी आएगा फिर नेक्स्ट वाला 92 साइन 92 डिग्री को साइन 88 लिख दूंगा मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज 178 साइन 178 को 178 इनटू साइन 2 डिग्री लिखा उसका प्रीवियस एंगल को क्या लिखता हूं 176 sin 4 degree. Sin 4 degree. Whole divided by 90. I hope everybody is following this. पीछे से क्या कर रहे हैं? Like 176 को भी मैं लिखूंगा 180 minus 4 करके. ऐसे. अच्छा इसके बाद what should I be doing? Om very nicely done. That is perfectly correct answer.
इसके बाद क्या करना चाहिए सर? 180 ऐड कर देंगे। किस किस को? 2 sin 2 डिग्री और 178 sin 2 डिग्री। करेक्ट सर, वैसे सब हो जाएगा। वेरी नाइस। कैन यू टेल मी नेक्स्ट क्या लिखूं? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 180 sin 2 डिग्री, 2 sin 2 और 178 sin 2, ये दोनों मिलके कितना हुआ? 180 sin 2। ओके, और फिर 180 sin 4 ऐसे। सर 180 कॉमन लेके 90 से कैंसिल कर सकते? जरूर करेंगे। 180 sin 88 भी आएगा, लेकिन एक 90 sin 90 अकेला बच गया। सर 90 होगा। हाँ, 90 होगा। ये 9 sin 90 तो बने, तो एक 90 डिग्री अकेला बच गया, होल डिवाइडेड बाय 90। सही कह रहे हो। इसके बाद कैंसिल करने के बाद कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर फिर वो AP का फार्मूला आ जाएगा। हाँ, एक बार 90 भी कैंसिल कर देते 180 के साथ, तो बचेगा क्या? वो ये 180 कॉमन जैसे बोल रहे हो, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 90, 2 जर 180, 2 टाइम्स sin 2 प्लस sin 4 ऐसे कहां तक होगा? sin 88। और भी कुछ बचेगा एक्स्ट्रा? प्लस 90 अर्चित भी है क्लास में, देव, दिव्यांशु, गर्व, गीतांश, हिया, आर यू देयर? शगुन? यस सर। तुम में से ब्लैक शिप यही है, मोक्षी है सिर्फ, मोक्ष पांचल। अच्छा, मोक्ष फाइनली आंसर दिया तूने इतनी देर बाद। क्या कर रहा था? अरे कैसे तू कितना कोइंसिडेंटली वॉशरूम तभी जाता है जब मैं बुलाता हूँ। ओके ओके सर, ऐसा कोइंसिडेंस तब भी होता है जब हम लोग ऐसा फोन यूज करते रहते हैं और पेरेंट्स अचानक से आ जाते हैं। हाँ वो तो है, उसको एक मर्फीज लॉ करके बुलाते हैं। यू नो मर्फीज लॉ करके सुना है क्या कभी? यस सर। लाइक देयर इज मर्फीज लॉ करके, इट्स अ निकनेम, लाइक बस स्टॉप पे बैठे हो और यू वांट टू कैच सम लाइक 10 नंबर का बस पकड़ना है, तो 10 नंबर का बस नहीं आएगा, सारे नंबर्स आते रहेंगे। हाँ, ऐसा होता है। मतलब जस्ट लाइक साइकिल चला रहे हो, कभी भी चेन में ड्रेस नहीं फंसता, लेकिन अगर जब वाइट ड्रेस पहनेंगे तभी फंसता है ऐसे। मतलब माइंड का गेम है एक्चुअली, अभी बोल रहे। हाँ तो like, वही उसको वही वो वाला इतना वो ट्रेंड इतना कॉमन है कि मर्फीज लॉ करके बुलाते हैं। I know. Full day game नहीं खेला, game खेलते time तभी पापा आते हैं ऐसा। तो ये तो हमेशा ही होता है, मतलब ऐसा 2-3 घंटा पढ़ो और तब रखे, फिर मतलब फिर phone ले और अचानक से parents आते हैं, they are like do not study. वो तो है। तुम लोगों को भी पकड़ा है क्या अभी आजकल online में? और of course freedom और कम हो गया होगा। सर एक सेकंड के लिए भी फोन लेते तो डांट पड़ती है। या आई नो। तुम लोग अभी गेम्स ऐसे एनिम वगैरह देखते हो क्या? तुम लोग क्या करते हो स्ट्रेस बस्ट करने के लिए? सर एनिम में लाइक ड्रामास, म्यूजिक, गेम्स। हां म्यूजिक इज गुड। म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ते हो क्या तुम लोग?
हाँ सर मैथ्स करते हैं तो मैथ्स यूजुअली गाने सुन के मैथ्स करना इज बेटर नहीं थोड़ा मैथ्स में ज्यादा दिमाग लगता है बट गाने सुनो दैट इज कॉमन थोड़ा नींद आते टाइम थोड़ा गाने सुनते हुए पढ़ सकते हो तो नींद आते वक्त तो मुझे कोई नहीं रोक सकता अच्छा I was once studying till 3 a.m. for my chemistry exam the next week and that was my birthday that day and I was walking in the hallway like a ghost oh today is Misha's birthday she's here happy birthday Misha happy birthday happy birthday happy birthday Misha thank you ओके नाउ ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ रिलेटेड नीचे वाला मैं रेस कर रहा हूँ और मीशा पार्टी वगैरह दे रही हो क्या किसी को सर अब ऑफलाइन होता है तो फिर दे देती अब क्या करूँ लाइक घर पे पार्टी हो रहा है कि घर पे भी कुछ नहीं हो रहा है नहीं वो तो ऐसे फ्रेंड्स बिल्डिंग वाले तो सब आते हैं ना ऐसे 12-12 बजे डिनर प्लान कुछ नहीं है 12 बजे आते क्या घर पे अभी भी हाँ अभी भी आते सही है अच्छा नहीं है किसी को आई थॉट कोविड के टाइम पे कोई एक दूसरे के घर नहीं जा रहा है नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर अभी तो सब लोग बाहर निकले हुए हैं हाँ अभी अरे भाई अभी जितना निकलेंगे बाद में उतना ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है सर, like, पहले मास्क पहन के निकल रहे हो ना कमी है Are you wearing mask and going out? Yes, sir. इधर है यहाँ पे sum of signs in an AP का formula use कर रहे हैं 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 44 है number of terms 44 है n का वैल्यू 44 है sin n into d by 2 d is 2 degree that is obvious I guess और first term भी a है 2 into a plus n minus 1 into d by 2 ऐसे सीधा formula dump किया तो 2 times sin 44 degree into sin ये कितना आया किसी ने सिंपलीफाई किया क्या 47/2 47 ओह आई एम नॉट श्योर सही आया 5 नो 45 डिग्री आएगा ओके डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री प्लस 1 ऐसे आना चाहिए फिर इसके बाद साइन 1 डिग्री को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आल्सो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद है क्या किसी को हां सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर माइनस साइन 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री यस माइनस साइन 1 डिग्री किधर है आई होप अदर सर आल्सो गुड कॉस 89 इज सेम एज साइन 1 ओनली सो साइन 1 एंड साइन 1 कैंसिल बाकी कॉस 1 बाय साइन 1 और टफ सम्स देखता हूँ थोड़ी देर के बाद कराता हूँ और एक कॉन्सेप्ट कराता हूँ तुम लोगों ने फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पढ़ा है डिड यू पढ़ा है ना सबने हाँ सर लाइक ग्लोबल आप बोल रहे हो ना ग्लोबल मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट हाँ जैसे कि बेसिक क्वेश्चन ही है जस्ट स्पीड अप तुम लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो उसके बाद आई जस्ट टेल यू हो गया तो बताना गिव मी ग्रीन सिग्नल
देन यशोधन, बाकी लोगों का भी हो गया क्या? यस सर, यस सर। ओके, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इट्स लाइक थोड़ा सा जनरल नॉलेज ही है, बस एक बार मैं ऑफिशियली करा दूंगा तो थोड़ा सा, आई थॉट तुम लोगों ने फिजिक्स में किया होगा, वैसे रेंज और डिफरेंशिएशन से कर के लिए तो जीरो और इनफिनिटी है ना? नहीं, एक करेक्ट है, मैं जस्ट लेट मी जस्ट टेल दैट राइट नाउ, लेट अस, मतलब हम लोग ना बाद में दूसरे चैप्टर में थोड़ा ज्यादा डिटेल में करेंगे, फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री लेवल का ही करूंगा, और जो भी मैं आज क्लास में कराऊंगा वो वैसे सम्स है जिसमें इट इज हाईली एडवाइजेबल नॉट टू यूज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यूज मत करो, बिना डिफरेंशिएशन से लॉजिकली करना। सबसे पहले मोस्ट सिंपल साइन एक्स, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? Minimum value is minus one and the maximum value is plus one. Anybody who has doubt here? Okay. And I am guessing everybody knows to write this format also. Minus one comma one करके ये intervals सबको wavy curve वगैरह तो हो ही गया. Of course major test लिख दिया. तो sin x का range बोलेंगे minus one से लेके one. Okay. Cos x का? Same minus one. Okay. Tan x का highest value infinity रहेगा. लीस्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रहेगा, लीस्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रहेगा, फिर भी आज के क्लास में हम लोग tan x को ज्यादा टच नहीं करेंगे। ओके, नो sin x cos x tan x के अलावा नेक्स्ट चीज sin of 2x, इसका रेंज सेम, इसका रेंज भी माइनस वन टू वन ही रहेगा, sin of कोई भी चीज वन से एक्सीड नहीं करेगा, वन से ज्यादा नहीं रहेगा, और sin of कोई भी चीज माइनस वन से कम नहीं रहेगा। ओके, तो सिमिलरली sin of 100x रहेगा तो सेम भी माइनस वन टू वन ही रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज साइन ऑफ एक्स प्लस 45 डिग्रीज, सेम, तो भी सेम माइनस वन टू वन ही रहेगा, साइन ऑफ समथिंग, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम टू साइन एक्स, माइनस टू टू टू, हाँ, टू साइन एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम साइन टू एक्स, टू साइन एक्स मतलब साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू वन है, तो इसको टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू टू हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू माइनस टू हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस साइन एक्स प्लस टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री, हाँ, साइन एक्स का दिख लो माइनस वन टू वन है, उसको टू ऐड कर रहे हैं, उसको टू ऐड कर रहे हैं, तो माइनस वन को टू ऐड करेंगे तो वन हो जाएगा, वन को टू ऐड करेंगे तो थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ जनरल नॉलेज जैसा लगना चाहिए, सेम साइन के जैसे कॉस के लिए भी होगा। अदर देन दिस व्हाट डू यू थिंक अबाउट साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स जीरो टू वन, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू तो वन है, सही कह रहे हो, और मिनिमम वैल्यू जीरो, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, इवन पावर है, साइन पावर थ्री एक्स, कैन यू थिंक सर माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, ऑड नंबर होगा तो ऑड पावर रहेगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका माइनस वन टू वन रहेगा, इसका माइनस इवन पावर रहेगा तो जीरो, हाँ, इवन पावर रहेगा तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो जीरो से स्टार्ट होगा। अगर इफ द क्वेश्चन वाज फाइंड द रेंज ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका रेंज ढूंढना है, तो हम लोग आराम से सोचो, लाइक 3 तो ऊपर डमी है, इट्स ए कांस्टेंट, ओके, डिनोमिनेटर को ध्यान दो, तो साइन स्क्वायर एक्स जितना छोटा रहेगा तो पूरा वैल्यू उतना बड़ा हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स जितना बड़ा होगा पूरा वैल्यू उतना छोटा हो जाएगा, लाइक डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू से पूरे नेट वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, लाइक कैन यू गेस द आंसर, 3/5 to 3/4, लाइक साइन स्क्वायर एक्स 0 है, साइन स्क्वायर एक्स अगर 0 रहेगा तो 3/4 होगा सर, 3/5, हां 1 होगा तो 3/5 रहेगा, तो इसका रेंज 3/5 to 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ जो बोर्ड पे लिखा है तुम्हें कॉपी करना है क्या? नहीं, नो सर, किसी को नहीं, नहीं सर, ठीक है, यशोर्धन तो लिख ले, अच्छा ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज जैसा है, तो मैं 2-3 क्वेश्चंस और देता हूँ, उस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसका रेंज ढूंढना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ओके, पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं और किसी को लिखना नहीं है ना? तो राइट ऑन, फाइन, एक को लिखना होगा तो क्या? आई हैव वेटेड बट स्टिल, ओके,
Find the range of the following. First one, sine x into cos x. Find the range of the following. ठीक है पहले चार करो फिर नेक्स्ट चार क्वेश्चन देता हूं. युग फर्स्ट वाला गलत है पर्व इज राइट. Garv is wrong, Deepanshu is wrong, Anandita is wrong. Achha, now, Garv, Deepanshu, Anandita, why do you think the maximum value is 1? Can you elaborate? So sin x ka maximum value is 1, cos x ka is also 1. Correct. So, ab sin x ka 1 hai, cos x ka bhi 1 hai. So, dono ka multiplication bhi 1 lag raha hai. But did you realize, jab sin x 1 hoga, tab cos x bhi 1 hoga kya? No, sir. Can this simultaneously be one? No, sir. They can't be. तो जब sin x one होगा तो cos x one नहीं होगा. तो ये बड़ा problem है. तो तुम लोगों को ऐसे range जो है multiply नहीं कर सकते. Then you have to multiply add नहीं कर सकते range को. But then you have to convert it into a familiar formula. No, Jinendra Manav. So can you convert it into familiar formula sin x into cos x? कौन से formula में आएगा? Sohan is correct. Darsh is also correct. कौन से formula में आएगा? Sine 2 theta. So is there anything missing here? What should I do? 2 sine x cos x divided by 2. Multiply divided by 2 is so natural. So this will become basically 1 by 2 times 2 sine x cos x is sine 2x. So that is how we have compressed the question. Now sine 2x ban gaya. So sine 2x ka maximum value kitna hoga? ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. ओके पर सेकंड वाला गलत है. यू कैनॉट ऐड द रेंजेस एंड सबट्रैक्ट द रेंजेस. पर यू कैनॉट मेक साइन एक्स एज वन एंड साइमल्टेनियसली साइन क्यूब एज माइनस वन और समथिंग लाइक दैट. सोहम इज राइट. दर्श सेकंड वाला करेक्ट है. आर्या डिड यू सेंड मी Which answer did you send, Arya? Jinendra correct, Anandita correct, Parth correct, Arya no. Okay, first one minus half to half. किसी को doubt है क्या? Anybody in the class? Differentiation would be too tough for these questions. You use basic trigonometry for such kind of easy ranges. Shreyas correct. Parv correct. Soham right. Very nice. Sir.
बोलो सर, आई सेंड द आंसर फॉर द सेकंड वन। एक सेकंड, आ रही है ना तुमने सेकंड का आंसर क्या भेजा? माइनस वन बाय फोर टू वन बाय फोर भेजा, वो गलत है। मानव ब्रैकेट्स गड़बड़े, बाकी सब सही है। सर इसमें से किसी का मतलब खाली मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक सिंगल वैल्यू है कि मतलब हो सकता है? थर्ड क्वेश्चन मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, सिंगल वैल्यू हो सकता है मतलब उसका मैक्सिमम मिनिमम है थर्ड क्वेश्चन में कि खाली एक ही है? नहीं मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है। फॉर्मूला है 3 sin x - 4 sin 3x इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा, सो दिस इज बेसिकली साइन 3x ओनली, दैट्स ऑल। फिर साइन 3x का रेंज हो जाएगा -1 to 1, दैट्स इट। साइन 3x का रेंज इज सिंपल -1 to 1। तो आर्य तेरा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? आई डोंट नो। यस सर, मैं दूसरा। ओके सर जो मैंने भेजा वो करेक्ट है? थर्ड वाला, थर्ड वाला एक सेकंड चेक करता हूँ, मुझे थर्ड वाले का आंसर याद नहीं है, मैंने जस्ट रैंडमली बनाया, जस्ट अ मिनट। थर्ड वाला वैसे तू बता दे, डिस्कस ही कर लेंगे। क्या करना चाहिए? साइन 60 माइनस एक्स, साइन 60 प्लस एक्स। तो मैंने साइन एक्स डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर बाद में वो फॉर्मूला बन जाएगा अपना साइन 60 वाला। हाँ तो बाद में 1/4 sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, तो लाइक दोनों का मैक्सिमम मिनिमम लाइक -1 -1 एक साथ ही आएगा। 1 नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। दोनों रेंजेस को डिवाइड, ऊपर का डिनोमिनेटर फार्मूला यूज कर सकते हैं ना? हां हां, उसके बाद sin 3x का फार्मूला यूज कर ले, या फर्स्ट स्टेप में भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला बोल रहे हो? sin a + b sin a - b। यस, sin a - b * sin a + b का फार्मूला याद है? sin square a minus sin square b. Thank you. Sin square 60 degrees minus sin square b. Sin square a minus sin square b. Okay. Now sin 60 degree ka value kitna hai? √3/2. Uska square 3/4 minus sin square x. 3/4 minus sin square x ka range yaad hai? -1, 0 to 1. Thank you. 3/4 minus 0, 3/4. 3/4 minus 1 minus 1/4. So the range is -1/4 to 3/4. I found few of them sent me. Parvat thoda first wala galat ho gaya. Aryan is right. And jisne bhi bheja, Darsh thoda gadbad ho gaya shayad. Haan sir. So the range is -1/4 to 3/4. Hum log ranges ko divide nahi kar sakte kya? Ranges ko divide nahi kar sakte. Okay. पर रेंजेस को ऐड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। Now fourth one, that's right, Tavish, Jivitesh, और जितने लोगों ने भेजा, ओम, पर्व, विधि, विधि first answer of the day, I guess. Shreyas also correct, Parth also correct. किसी का नाम भूल लिया क्या मैं? Okay.
Now fourth one, जिन लोगों ने किया नहीं, you guys can do it very fastly. देखो अच्छा सा formula बन रहा है. साइन एक्स इंटू साइन सिक्सटी माइनस एक्स इंटू साइन सिक्सटी प्लस एक्स, किसका फॉर्मूला है ये? 1/4 साइन 3 थीटा. यस 1/4 साइन 3 थीटा. साइन एक्स का रेंज हमें पता है माइनस 1 टू 1 है, इसको 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द रेंज इज माइनस 1/4 टू प्लस 1/4. व्हिच मेनी ऑफ यू सेंट मी, आनंदिता, आर्य, यू आर ऑल करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं. ऐसे वाले क्वेश्चंस को ना डिफरेंशिएशन वगैरह से मत करो इफ इट इज ए फेमिलियर फॉर्मूला. फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चंस आर ऑन द बोर्ड. फिफ्थ क्वेश्चन इज साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय थ्री एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज साइन एक्स प्लस रूट थ्री टाइम्स कॉस एक्स. सर आपने थर्ड वाले का क्या बोला था? क्या बोला था मतलब रेंज आंसर? हाँ मुझे याद नहीं, शायद माइनस 1/4 3/4 था. अच्छा सर मुझे अभी भी लाइक तूने क्या क्या बता? सर मैंने साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाया. टू साइन ए साइन बी वाला? टू साइन ए साइन मैंने भी वही लगाया, यही आएगा चलेगा. टू साइन ए साइन बी किया तो टू साइन ए साइन बी क्या लिखा तूने? cos a minus b minus cos a plus b लिखा होगा. हाँ सर, तो cos minus 2x plus cos 120. हाँ cos minus 2x is cos 2x only. minus cos 120 degree. Right? हाँ सर. अच्छा हाँ, तो गड़बड़ हो गया. ये half है और इसका minus 1 to 1 है. देख ले वो add करके by 2 करना है. शायद वही आएगा, minus 1/4 to 3/4 ही आएगा. हाँ वही आ रहा है. Yes, Parv Jinendra Tavish, you are right. Yes, Parth. Fifth wala karne ki zarurat hai kya? Do you guys need any requirement for me to solve the fifth question? No, sir, no. It's a one-step answer. Sign of something. Sign of something ka answer fir straight away minus 1, 1. Okay, minus 1, 1. Okay. Just for our hypothetical understanding, sin of x plus pi by 3, can you guys expand and tell me kya hoga? Sin a plus b, sin x plus 60. To kya hoga? Sin x into cos 60. Cos 60 kitna hai? Half. Plus cos x into root 3 by 2. To iska range basically minus 1 to 1 hai. Now, this is a help for the sixth question. How is this a help for the sixth question? ऐसे करके लिख सकते क्वेश्चन को, ऐसे करके लिख सकते हैं. तो बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो 2 कॉमन निकाल रहे हैं. ऐसे क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज़ ऐसे क्यों लिख रहे हैं? यस, पर ऐसे क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज़ अंदर वाला ना परफेक्ट साइन बन जा रहा है. परफेक्ट साइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली ये 1 और रूट 3 आर एक्टिंग लाइक अवर बेस एंड परपेंडिकुलर, और दे आर एक्टिंग लाइक अवर एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड. एंड व्हाट इज दिस 2? 2 is the hypotenuse. 2 is the hypotenuse of 1 and root 3. हमेशा 1 by hypotenuse, root 3 by hypotenuse रहेगा, तो हम लोग उसको sin theta cos theta के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 by 2 है, उसको cos 60 degree लिख सकते हैं. फिलहाल तो मैं सिर्फ theta लिख रहा हूँ. I am not caring what is the value of theta. Cos x into sin theta करके लिख रहा हूँ. So that this will become 2 sin x plus theta. 2 sin x plus theta. साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा इज समथिंग, साइन ऑफ समथिंग जिसका रेंज होगा माइनस 1 टू 1, उसको बस 2 मल्टीप्लाई करना है. सो द आंसर इज माइनस 2 कॉमा 2. सो द आंसर इज माइनस 2 कॉमा 2. सो द आंसर इज माइनस 2 कॉमा 2. डज एनीबडी हैव अ डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नो. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम लोग बस ऐसे ओरली बता दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जैसे सेवेंथ क्वेश्चन, If the question was 3 sin x plus 4 cos x, 3 sin x plus 4 cos x,
then you cannot find the sin x ka range, find the cos x ka range and add them. Aise allowed nahi hai, range mein aise allowed nahi hai. But can you guys think and tell me kis cheez se multiply divide karna beneficial hai? 5 is the right answer. Kisi aur ko doubt hai kya? 5 kahan se chamka usko? Sir, base hypotenuse and basic 4 hai na, 3-4 hai. तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स क्या लिख दूं अंदर, ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू 3/5 प्लस कॉस एक्स इंटू 4/5 फिर से साइन एक्स इंटू ये कॉस ऑफ 53 डिग्री और वॉट एवर आई डोंट केयर कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा हो जाएगा, समझा गया, इंटू 5 तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स साइन एक्स प्लस थीटा, सेम ओल्ड ड्रिल. फिर sin x sin of something है, उसका range -1 to 1 रहेगा, into 5 हो जाएगा, तो इसका range -5 to 5 हो जाएगा. तो ऐसा trend observe करके, can you guys predict now? Can you guys predict a formula now? Can you guys predict a formula? If I have a sin x plus b cos x, इसका range ढूंढना है, इसका range क्या होगा? A और b रहेंगे, तो किस चीज से multiply divide करेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर रहेगा, बाकी पूरा साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा जैसा बन जाएगा. तो बेसिकली आंसर विल बिकम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. सिर्फ साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन आएगा विद सम कॉन्स्टेंट्स, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. रिमेंबर दिस, a sin x plus b cos x का रेंज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अच्छे से समझा गया 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन और जनरलाइज्ड करके फॉर्मूला लिख दिया. नहीं समझा तो भी फॉर्मूला रट लो, a sin x b cos x होगा तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जैसे कि इस क्वेश्चन में a 1 है, b रूट 3 है, माइनस ऑफ रूट 1 प्लस 3 माइनस 2 कॉमा 2. यहाँ पे 3 और 4 है तो माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. हो गया डन, हो गया तो बताओ नेक्स्ट सम करते हैं. हाँ हाँ सर, सबको हो गया एवरीबॉडी? यस ठीक है. एवरीबॉडी इज लाइक ओनली 4 पीपल बट स्टिल. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ऐसा नींद सो तो नहीं गया ना? यस सर. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज. सारे आंसर एक साथ भेजो, 4 क्वेश्चन है बोर्ड पे. जिसने आंसर भेजा सब करेक्ट हो. पर्व, जिनेंद्र, सोहम, यशवर्धन, straight away use the formula, that is faster. You don't need to derive the formula every time. This is 1 sin x
प्लस वन कॉस एक्स, ए इज वन एंड बी इज वन, तो एक स्टेप का आंसर है माइनस रूट वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, दैट इज ऑल यू हैव टू डू. माइनस रूट टू 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 रूट टू. हाँ यस दैट्स राइट, दैट्स राइट पर्व आर्यन व्होएवर हैज सेंट मी. तुम लोग कोई भी लेक्चर में वीडियो कॉल चालू हुआ क्या कभी भी? सौरभ सर ने करवाया, एक क्लास की हर क्लास में ऑन रहता है. अभी तो एक ही क्लास, दो तीन क्लास हो रहा है. ऑन रखो यार थोड़ा सा, थोड़ा सा मे भी थोड़ा मजा आएगा तुम लोगों को भी एक दूसरे का चेहरा देख के. मोक्ष वॉशरूम में है कि यहाँ पे है? मोक्ष पांचाल, ओके 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 चलेगा. फॉलो कर रहा है क्या? शौर्य देव आर यू देयर? यस सर. यस सर. थैंक यू गाइस. ऋषि, ऋषि बोस? यस सर. मानसी, देयर इज अनदर मानसी इन अनदर बैच, डू यू नो? जीनियस बैच में भी एक है मानसी करके. हां सर, ब्रिज कोर्स में देखा था. मानसी रंजन शायद. यस हां. यहां की मानसी, मानसी व्हाट इज योर फुल नेम? यू आर अनम्यूटेड बट आई कांट हियर योर वॉइस. हेलो. अच्छा तेरा सरनेम हेलो है क्या? मानसी हेलो? नहीं सर, मानसी सिंह. एक्चुअली मेरा हेडफोन खराब हो गया था, हेडफोन से बोली तो आपको सुनाई नहीं दिया. हाँ एक्चुअली नहीं सुना दिया. मानसी सिंह, दैट मानसी इज वेरी सिंसियर. आई डोंट नो इफ यू आर आल्सो सिंसियर और नॉट. शी वाज विद अस, शी यूज्ड टू लाइक फिजिक्स, शी हैज बीन स्टडीिंग लाइक सिंस 8 फॉर दिस. ओह अच्छा अच्छा ओके ओके. तुम लोग कैसे जानते हो उसको? ब्रिज कोर्स पे कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है? हां सर मैंने. ओके ओके. लाइक क्या हुआ था ब्रिज कोर्स में? पहले तो ध्यान नहीं दिया था ज्यादा, लाइक तब भी ट्रिग्नोमेट्री कर रहा था और कैलकुलस टॉपिक्स हुए थे थोड़े माइल्ड था. लाइक हम लोग अभी का ट्रिग्नोमेट्री हायर लेवल है कि ब्रिज कोर्स का हायर लेवल है? ब्रिज कोर्स तो 10 10 10 का ही था सर. हां अच्छा, वो 15 20 लेवल से बेस्ट था. कैलकुलस में मजा आ गया. टेंथ का तो ब्रिज कोर्स, टेंथ का तो कुछ भी नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री, बस नाम का ट्रिग्नोमेट्री हो. खाली प्रूफ प्रूफ. नहीं पर वो यार कोई, मैंने 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट नहीं किया. आईआईटी करना है नहीं करना है वो भी बहुत लेट समझा था. यूजुअली 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो बोलते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर लो. फिर आईआईटी 11th 12th में भी ठीक है, बस इट्स लाइक कर रहे सब लोग तो साथ में कर लिया था. फिर आईआईटी हो जाने के बाद, आईआईटी में जाने के बाद लगा कि अच्छा दिस इज सो इम्पोर्टेंट, दिस इज सो बेनिफिशियल. बस आई डोंट नो तुम लोगों को अभी लाइक आर यू ऑल पैशनेट टू गेट इनटू आईआईटी और लाइक पैशनेट टू डू इंजीनियरिंग और बोथ और नन? हां सर है तो इंजीनियरिंग करना था वो डिसाइडेड था, लाइक आईआईटी हो गया था तो हो गया था बस. कोई रिसर्च में इंटरेस्टेड है कि एनीबॉडी हियर हु इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च? यस सर, प्योर साइंस. प्योर साइंस में? हां हां प्योर साइंस में मैथमेटिक्स भी है इन्वॉल्व होगा ऑफ कोर्स. हां सर. व्हिच इज योर फेवरेट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्चुअली. ओके ओके. आई यूज्ड टू लाइक फिजिक्स अ लॉट. 11th का गलत है पर फिजिक्स एंड मैथ्स आर ऑलमोस्ट सेम ओनली एक्चुअली, थोड़े दिन के बाद सेम ही लगता है.
सर लोगों को मेजर टेस्ट के बाद में फिजिक्स से नफरत हो गई है लेकिन अरे मेजर टेस्ट तो एक ही एग्जाम है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे बट ओवरऑल फिजिक्स एंड मैथ्स भूलते नहीं है वो याद रह जाता है मेजर टेस्ट में ऐसा कौन सा टफ था फिजिक्स का क्वेश्चन सर टफ नहीं थे लेंथी क्वेश्चन कैलकुलस वाला आपको जो भेजा था ना कौन सा वाला वो कोई रॉड का था ना हाँ वो रॉड वाला भी सर अरे क्या वो तो वॉल्यूम लिख के पर बात कर रहा ना पीजीएस yes. तो वॉल्यूम लिख के मैक्सिमाइज करना था वो तभी सोचा नहीं एक तो टाइम ही बहुत कम था ओके ओके पता नहीं चल रहा था एग्जैक्टली क्या करना था ओके 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 तुम्हें का एक्चुअली आदत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस से करने की थोड़ा आदत होने के बाद वो सब इजी लगेगा हां सर लाइक मतलब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेड नहीं था जब भी आया तो पहले तो 2 मिनट तो सोचना पड़ा कि क्या डेरिवेटिव से होगा देन लाइक अच्छा तो इंटीग्रेशन से डायरेक्टली हो रहा है अरे अभी तो तुम लोगों ने दो ही चैप्टर पढ़े या तो वेक्टर्स या तो कैलकुलस वही तो वो करना है और स्टार्टिंग में तो हम लोग ऐसे थे कि ऑलरेडी क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है डिस्टेंस पूछा है तो इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी दिया है एक्सेलरेशन पूछा है तो डिफरेंशिएट करना है ऐसे मतलब हां सर वो लाइक जैसे हम सब बोल रहे थे कि एक इंटीग्रेशन बेसिक था आएगा तो किसी का माइंड प्रिपेयर्ड नहीं था अच्छा थोड़ा सा झेलने का भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अच्छा लग रहा है कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही हो जाता है सर इंटीग्रेशन में हां सर मूव पे हो जाता है बे डिफरेंशिएशन ओके सर एक्चुअली हम लोग डिफरेंशिएशन ब्रिज कोर्स से कर रहे हैं ना तो उसके साथ थोड़े फैमिलियर हो चुके हैं ओके ओके इसका डिफरेंशिएशन क्या है x पावर x का जस्ट आस्किंग पढ़ाया क्या ये हाँ लेकिन सर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे वो बात है ना अभी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही भाई अरे यार तू क्या सर जीरो है नहीं नहीं क्यों जीरो है कांस्टेंट x होगा ना नहीं 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 तो ये वाला log x से करते हैं क्या यस log से करते हैं log log हो गया क्या तुम्हारा कि चल रहा है नहीं log होने के बाद मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा इसका डिफरेंशिएशन इजी है एक्चुअली एक बार पढ़ लोगे तो फॉरएवर मतलब बेसिक्स तो किया था पहले स्कूल में एक बार तो हम लोग को लाइक नेचुरल लॉग तक का ही बताया उसके अलावा का कुछ नहीं बताया डिफरेंशिएट कैसे ओके ओके लॉग के ना थोड़े प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज अच्छे से रख लो मेन तो वही है 8th में पढ़ा था अभी सब भूल गए नहीं 8th वाले प्रॉपर्टीज से भी थोड़े ज्यादा प्रॉपर्टीज है 11th 12th में वो प्रॉपर्टीज अच्छे से रट लो दैट विल हेल्प ओके कितने प्रॉपर्टीज ऐसे लिस्ट की तरह लिखवाया क्या चालू भी नहीं किया अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ क्या ओके 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 ठीक है मॉड ओके 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 लॉग स्टार्ट होगा बेसिक मैथ्स में सौरभ सर करेंगे लॉग एक दो हफ्ता तीन हफ्ता पढ़ोगे लॉग तब जाके थोड़ा डाइजेस्ट होगा इधर एट का आंसर क्या आ रहा है हां यही आ रहा है -√2, √2 दिस इज द आंसर फॉर द 8th वन किसी को डाउट है क्या नाइन्थ का आंसर आई गेस सेम होगा सेम ही होगा प्लस बी की जगह वन की जगह माइनस वन है बी की जगह वन की जगह माइनस वन है तो भी फॉर्मूले में माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज ऑल लाइक इट इज जस्ट वन साइन एक्स प्लस माइनस वन इंटू कॉस एक्स इट्स लाइक वन साइन एक्स प्लस माइनस वन इंटू कॉस एक्स तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर होगा जो कि सेम ही चीज है तो एट का नाइन्थ का सेम आंसर है -√2 से √2 ही ओके अभी टेंथ करना सर इलेवेंथ का हिंट दो ना एक्सपेंड कर ओके
ओके एट्थ और नाइन्थ किसी को डाउट है क्या? शौर्य करेक्ट है, एट्थ और नाइन्थ दोनों का आंसर माइनस रूट टू से रूट टू है। अच्छा टेंथ वन, टेंथ वाला ये प्लस सेवन इज ए डमी गाइस, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। रिमेनिंग चीज का फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से यूज करो रेंज और सेवन ऐड कर दो। इश्फाक करेक्ट, इश्फाक बस ब्रैकेट्स, यू हैव टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स और क्लोज्ड इंटरवल। तो हम नहीं यार, रेंज आएगा फिर सेवन ऐड करना ढंग से ऐड कर। सो हम मुस्कान इज करेक्ट, आर्यन इज आल्सो करेक्ट, अनुष्का आर यू देयर? यस सर। तेरा डिस्प्ले पे क्या है, तीन रेनबो है क्या वो? यस सर। दे आर टॉकिंग समथिंग? Yes, but I don't remember what it is written. It was something about everything is happy something. I don't remember. Oh, it's like a joke or is it like a philosophy? More of a philosophy thing. Oh, okay. Sir. हाँ बोलो। सर इलेवेंथ में डायरेक्ट रेंज पुट कर सकते हैं कॉस कॉस से? तो नहीं 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 नहीं, रेंज ऐसे ऐड नहीं कर सकते। दर्श करेक्ट, सोहम करेक्ट, लेट हो गया दर्श बस। यशोवर्धन रॉन्ग, आनंदिता रॉन्ग। अरे यार आनंदिता यशोवर्धन, कितना सिंपल क्वेश्चन रॉन्ग किया तुम लोगों ने। क्या किया पहले बताओ? फाइव साइन एक्स प्लस ट्वेल्व कॉस एक्स का रेंज ढूंढा क्या? क्या माइनस थर्टीन टू प्लस थर्टीन, इसको सेवन ऐड करना है, सेवन ऐड करना है। तो माइनस थर्टीन को सेवन ऐड करेंगे तो कितना होगा? माइनस सिक्स। क्या माइनस व्हाट? माइनस सिक्स टू ट्वेंटी। हाँ माइनस सिक्स से लेके ट्वेंटी, थर्टीन प्लस सेवन। व्हाई आर यू सेइंग माइनस ट्वेंटी? क्या भूल गया क्या? 13 को 7 ऐड करके फिर माइनस थोड़ी लगाएंगे। आई होप यू गॉट योर मिस्टेक यशोवर्धन एंड आनंदिता। मुस्कान वेरी नाइसली डन, वेरी नाइसली डन। हमारे क्लास में मुस्कान इज आल्सो क्वाइट स्मार्ट। जिनेंद्र नो सर, स्मार्ट का बात नहीं है, कुछ कुछ सम्स बन जाते हैं, कुछ कुछ में बहुत सोचना पड़ता है, कुछ कुछ में सोच के गलत डायरेक्शन में भाग जाते हैं वो। नहीं मतलब जैसे मैं यूजुअली, जैसे तुम्हारे क्लास में तो सुबह जीनियस बैच में होता है फिर तुम्हारा होता है, तो आई एम जस्ट कंपेयरिंग विद दैट बैच। मतलब उनसे जो नहीं सम्स होते तुम्हारे क्लास में भी ऑफनली नहीं होते एंड वाइस वर्सा। इट्स नॉट लाइक सबसे हो जाते सारे क्वेश्चंस, डाउट्स भी सिमिलर से ही पूछते हो तुम लोग। बट वो लोग उनके क्लास में बस वो एक है कि होमवर्क बहुत ज्यादा मांगते हैं। दैट इज राइट जीवदेश, होमवर्क का भी बस ट्रिगो बहुत हो गया है भाई, प्रॉब्लम है कब से ट्रिगो कर रहे हैं, इसलिए भी ज्यादा करने का मन नहीं होता। हां इट्स नॉट लाइक एन ऑप्शन वी हैव। नेक्स्ट क्लास से वो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका मॉड्यूल मिला है क्या? सर अपने शायद पीडीएफ भेजा था। ओके ओके, टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ओके रुचि लास्ट वाला आ गया।
अरे मीशा कहाँ है? आर यू देयर? बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया ये शायद बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे भी उसके घर में जल्दी सोसाइटी में आ जाते बोल रही थी इधर वे cos a plus b का फॉर्मूला cos थीटा cos pi by 3 माइनस sin थीटा sin pi by 3 फिर प्लस 3 cos a plus b को एक्सपेंड किया cos a cos b माइनस sin a sin b सो दिस विल बिकम 5 टाइम्स cos थीटा प्लस 3 टाइम्स इसको एक्सपेंड करके वैल्यूज पुट करना है cos pi by 3 कितना होगा 1/2 cos 60 degrees minus sin theta into sin 60 degrees is √3/2 plus 3 all we did was expanded using cos a plus b ka formula then 5 cos theta plus this will become 3/2 cos theta minus 3√3/2 sin theta plus 3 इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं cos थीटा कॉमन निकाल के 5 प्लस 3 बाय 2 5 टू जर 10 प्लस 3 13 बाय 2 13 बाय 2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3 नाउ इट इज सक्सेसफुली इन द फॉर्मेट a sin x प्लस b cos x सक्सेसफुली इट हैज बिकम इन द फॉर्मेट a sin x प्लस b cos x नाउ वी विल यूज द फार्मूला नाउ वी विल यूज द फार्मूला रिटन ऑन द बोर्ड तुम लोग आगे बढ़ो सॉल्व करो That's right, Darsh. जल्दी करो दैट्स राइट इश्फाक शौर्य आर्यन यू आर ऑल करेक्ट आनंदिता नो यार प्लस थ्री भूल गई शायद या दैट इज द राइट मिस्टेक आर्य करेक्ट किसी ने ढूंढा क्या और किसी ने ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रूट ऑफ क्या आ गया शुड आई एक्सप्लेन और इट्स अंडरस्टूड वैसे 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर 169/4 आएगा प्लस 27/4 आएगा 169 और 27 मिलके 196 बनेगा 196 का रूट जानना चाहिए 14/2 आएगा माइनस 727 आएगा माइनस 727 आएगा उसको 3 ऐड करना है बस माइनस 7 और 3 माइनस 4 से लेके 10 माइनस 4 टू 10 विल बी द आंसर Okay, my voice is breaking. Is it breaking for everybody? No, sir. No, sir. Okay, okay. Thank you. Chalega. Are you done with this maximum minima? Par yahi doubt tha shayad tera maximum minima related questions. Yes, sir. Okay. Next, karte. Karte erase hai, everybody? Yes. Yes, sir. Okay. But last thing, just to conclude the lecture, next thing also, we are going to very rarely use it in trigonometry, but we are going to use it heavily in other chapters. Now, the heading is conditional identities. Conditional identities. In fact, this is going to be used in the 12th standard. Abhi bas naam ke liye main bata de raha hu. Conditional identities mein ek cheez आंसर यशवर्धन माइनस 4 टू 10 था कंडीशनल आइडेंटिटीज इनफैक्ट द कंडीशन इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई को इन अदर वर्ड्स वन कैन से इन ट्रायंगल एबीसी देन ओनली दीज आइडेंटिटीज आर ट्रू देन ओनली दीज आइडेंटिटीज आर ट्रू द फर्स्ट आइडेंटिटी व्हिच यू शुड ऑल नो इज टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी याद है क्या Yes, is tan A into tan B into tan C. That is the first identity.
प्रूफ्स वगैरह हम लोग वापस से नहीं कर रहे, बट इसका प्रूफ याद है क्या कैसे किया था? Yes. उस साइड लिख के टाइम सी को बाद दोनों साइड पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया. यस यस. ए प्लस बी इक्वल टू फाइव माइनस सी. यस. नेक्स्ट आइडेंटिटी साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी. इसको प्रूव करने के लिए साइन सी प्लस साइन डी करेंगे दोनों के साथ, फिर से उसको तीसरे के साथ ऐड करेंगे. हम लोग वन सेकेंड प्रूव नहीं कर रहे. इसका आंसर हो जाएगा फोर साइन ए साइन बी साइन सी. एंड दिस आइडेंटिटी इज ओनली करेक्ट व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्रीज, और कभी करेक्ट नहीं है. ओनली व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्रीज. ऐसे करके पांच आइडेंटिटीज है, मैं पांचों के पांचों लिख रहा हूँ. डू यू वॉन्ट मी टू प्रूव दिस सेकेंड वन? सब एन पाई होगा कि खाली 180 पे? सिर्फ 180 पे, सिर्फ 180 पे. शुड आई प्रूव वन दिस दिस वन पर्टिकुलर आइडेंटिटी, बाद में अरेस्ट कर दूं क्या? ओके, नो आंसर तो आई विल चूज नॉट टू प्रूव इट ऑफ कोर्स, बट ठीक है. मतलब ट्राई कर सकते हैं प्रूव करने का. तुम लोग ट्राई कर सकते हो जरूर. साइन सी प्लस साइन डी करना पड़ेगा पहले दोनों को, फिर तीसरे को टू साइन सी कॉस सी करके यू कैन टेक कॉमन एंड डू इट. जैसे एसएलओनी में एग्जांपल्स 14 किया था ना, ऐसे वाले क्वेश्चन से. इधर वे नेक्स्ट वन cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equals to minus 1 minus 4 cos a cos b cos c. ये हम लोग 12th standard में use करेंगे, but फिलहाल लिख लेने में कोई harm नहीं है, so that will not miss out anything studied in trigonometry. I think तुम्हारे क्लास में मैंने स्टार्टिंग में ग्राफ्स भी पढ़ाया था शायद. Yes sir. और एक आइडेंटिटी साइन ए वाला. दीज आर द फाइव आइडेंटिटीज रिटन ऑन द बोर्ड. बस आज का क्लास पूरा मिसेलेनियस क्वेश्चंस किए हमने, मैक्सिमा मिनिमा एंड दिस कंडीशनल आइडेंटिटीज, एंड स्टार्टिंग में भी वो सीरीज वाले थोड़े से सम ऑफ साइंस इन एन एपी जीपी, सम ऑफ साइंस इन एन एपी एंड कोसाइंस इन एन एपी. बस नथिंग टू डू विद प्योर ट्रिग्नोमेट्री. लोगों को मेरी हैंड राइटिंग वगैरह समझ में आता है क्या? यस सर. हां सर. सबसे अच्छी हैंड राइटिंग किस कौन से सर की है? सर अभी जज नहीं कर सकते, काफी सारे सर लाइक वो डिवाइस पे लिखते ना पेन से, तो लाइक हो सकता है कि वैसे नॉर्मल में अलग हो. यूजुअली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यूजुअली फिजिक्स टीचर्स की अच्छी हैंड राइटिंग रहती है और केमिस्ट्री टीचर्स की गंदी रहती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने. यस सर. यस. अपने वो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब बहुत जगह मैंने पढ़ाया है तो हर जगह केमिस्ट्री के सर ना ऑफनली स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हैं, एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक टर्म्स जो मैंने ऑब्जर्व किया है. मतलब यहाँ पे है कि नहीं आई डोंट नो. सर की राइटिंग इज नेक्स्ट लेवल वाली. मतलब बहुत ही अच्छी है क्या? नहीं तो बहुत ही सार्केस्टिक वाला. समझ नहीं आता वो जो लिखते हैं. पूछना पड़ता है वापस क्या लिखते हैं. फिजिक्स वालों की अच्छी इसीलिए रहती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं आगे जाके. फिजिक्स में बार बार सर्किल बनाना पड़ता है. आने पर तो क्या हुआ? अरे ऐसे थोड़ी है कि सर लोग सब लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं. सर आपने एक बार ऐसे ही पर्पल हाउस इंडिगो हाउस में टॉपिक चालू किया था तो रिकॉर्डिंग बंद किया था. हाँ वो कभी बंद करता हूँ कभी स्टार्ट करता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कोई सर दूसरे में रिकॉर्डिंग देखने का टाइम ही नहीं है. ऑल सर्स आर टेकिंग सिक डेज एंड वीक लेक्चर्स. तो चलेगा. तुम लोग रिकॉर्डिंग वापस देखते हो क्या? क्वेश्चंस के लिए सर एक बार प्रॉब्लम में एचआरसीएच सर ने अमेलगम लिखा था
और वो दिख कुछ और रहा था, तो मैंने जो भी दिख रहा था वो घर पे सर्च किया, देन इट शोड मी ग्राम पंचायत. एक सेकंड. एक बड़ा नंबर माइनस एक बड़ा नंबर, वी डोंट नो व्हाट इट इज. सर मतलब एक बड़ा नंबर है इनफिनिटी, तो बड़ा नंबर सेम ही होगा ना तो सर. बड़ा नंबर माइनस बड़ा नंबर मतलब यार इट्स लाइक भगवान वर्सेस भगवान, हम बोल नहीं सकते कौन जीतेगा ऐसा है. इनफिनिटी इज लाइक भगवान ऑफ नंबर्स, यू कैन नॉट ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल नंबर, यू कैन नॉट ट्रीट इट लाइक सिंपल नंबर्स लाइक. समझा के इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी होगा तो वी कैन नॉट टेल दैट इट इज वन. समझा क्या? यस सर. सर तो आंसर लिखना है तो क्या लिखे फिर? ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है मैथ्स में. इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इन्फिनिटी इज ए कॉन्सेप्ट. इन्फिनिटी इज ए कॉन्सेप्ट दैट सेज दैट इट इज ए वेरी ह्यूज वैल्यू. मतलब सर क्योंकि शोम सर ने लिखा हाँ. था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है. नहीं यार हो ही नहीं सकता, अगर कहीं लिखा है तो एक्चुअली वो कोई सम था जिसमें x स्क्वायर में कोएफिशिएंट पॉजिटिव था और x में नेगेटिव. मतलब वो सम मैटर करेगा, वो सम में वो इन्फिनिटी वो कौन सा चीज इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब वो इन्फिनिटी के पहले वाले स्टेप से पता चलेगा. लाइक अगर कैसे बताऊं, अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब ऐसे लिखना गलत है, मैं बस नाम के लिए बता रहा हूँ. x का वैल्यू इन्फिनिटी है, x प्लस 3 कितना होगा? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी. x स्क्वायर इन्फिनिटी. इन्फिनिटी. ओके. सिर्फ x भी इन्फिनिटी है. अच्छा तो अगर मैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ तो इन चारों में से कौन सी इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं वो मैटर कर जाएगा. अगर ये वाला इन्फिनिटी माइनस ये वाला इन्फिनिटी करेंगे तो x प्लस 3 और x का डिफरेंस 3 आ रहा है. मतलब अगर x स्क्वायर और x का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो अलग इन्फिनिटी है. मतलब इनफैक्ट x स्क्वायर का इन्फिनिटी बहुत बड़ा इन्फिनिटी है. मतलब दिस इन्फिनिटी इज नॉट वन कॉन्सेप्ट. मतलब आई कैनॉट राइट इट ऑल दिस बट इट्स एब्सोल्युटली रबिश दैट आई रोट. आई कैनॉट इक्वल टू समथिंग. तो वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका प्रीवियस स्टेप देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज माइनस कौन सा चीज कर रहे हो. इफ यू कैन टेल द प्रीवियस स्टेप देन आई कैन हैव अ बेटर डिस्कशन विद यू. सर वी वर एक्चुअली आई गेस डूइंग रेंज का थिंग एंड देन हमने वो इक्वेशन काइंड ऑफ बना लिया था. किसका रेंज कैन यू टेल मी या फिर कौन सा इक्वेशन लास्ट वो फंक्शन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था और x में नेगेटिव था तो सर वो अच्छा, x स्क्वायर माइनस x था ना. x स्क्वायर माइनस x था ना ऐसा कुछ था. x square minus x होगा तो इस तरीके से सोचो x into x minus 1, x common निकाल के ऐसे सोचो x बहुत ही बड़ा नंबर है तो बहुत ही बड़ा नंबर into again x minus 1, another बड़ा नंबर तो multiplication भी बहुत बड़ा नंबर ऐसे करके infinity बता रहे. next time पूछ देख के बता ना कोई problem नहीं है. if you have notes you can see right now and also tell. मतलब डिफाइन नहीं है ना वो नंबर के इन्फिनिटी, मतलब कौन सा नंबर है वही. इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है सर. सो इज इट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड? अरे कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड. अरे मतलब भगवान डिफाइन है क्या? पता नहीं सर. हाँ तो वही इन्फिनिटी भी ऐसी चीज है. तो इन्फिनिटी अज्यूम करते कि एक बड़ी सी चीज है बस, उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स बताना है. यस सर. ठीक है सर. एक और